मेरा नाम राबिया बतूल है और हम लोग फुटबॉल खेलने के लिए आए। मेरा नाम मनाहिल परवेज है और मैं फुटबॉल खेलने आती हूँ। पहली दफ़ा बलूचिस्तान में प्रीमियर लीग हो रही है, अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बलूचिस्तान से अच्छी लड़कियाँ खेलने के लिए जाएंगी। मेरा नाम सरदार मोहम्मद है, मैं जो हूँ इस टाइम कोचिंग कर रहा हूँ बलूचिस्तान वॉरियर्स का। ये हमारी एकेडमी है, ये तकरीबन अभी पिछले 5-6 महीने से हमने बनाई है, तो इसमें हमारे साथ सारे गर्ल्स है, तकरीबन 15-20 लड़कियां हैं जो रोज़ यहां पे ट्रेनिंग करने आते हैं। मेरा नाम जहरा अफजल है, मुझे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो रहा है कि मैं फुटबॉल खेल रही हूं और हम यहां पर रोज़ाना डेली 2 घंटे यहां पर खेलते हैं और सब गर्ल्स मिलकर इंजॉय भी करते हैं और हमारे एक्सरसाइज भी होते हैं। मुश्किलात लड़कियों को बहुत ज़्यादा होती है स्पोर्ट्स के मामले में। एक तो पहले होता है कि घर से निकलना मुश्किल होता है, फिर बाद में अकेले जाना, फिर अगर आगे आप सिलेक्शन हो गई फिर आपको दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ेगा, दूसरी जगहों पे जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ता है, मगर अगर आपको आगे खेलना है, आपको शौक है, तो फिर आपको उस मुश्किलात का सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। हमारी जितनी भी बच्चियाँ वगैरह हैं उनको आगे नहीं जाने देता है। अभी जिस तरीके से अगर ये एक चैम्पियनशिप एक लीग खेला जाए तो उसमें उनके साथ उनके फैमिली भी आएंगे, वो भी अपनी बच्चियों को देखेंगे जब वो खेल रहे होंगे ना, तो उनको देख के बाकी भी जितने भी हमारे यहाँ पे जो बलूचिस्तान में जितने भी लोग हैं वो भी अपने बच्चियों को फिर सपोर्ट करेंगे और इससे हमें बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और यहाँ पर इंशाल्लाह आइंदा भी हर साल यही लीग खेलता जाएंगे। हमारे जो प्लेयर्स हैं हम आपस में ऐसे नहीं कि अगर कोई और मतलब मुस्लिम हो या क्रिश्चियन एक्सेट्रा, हम ऐसे हैं जस्ट लाइक अ सिस्टर्स, तो हम अपनी इस तरह ट्रेनिंग करते हैं जैसे ये ना हो कि तुम कौन मैं कौन, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ग्रॉस रूट है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता मौका मिलेंगे इंशाल्लाह, ये है कि कोशिश यही है कि फ़ाइनल तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। और हमारे जो मैचेस होंगे मैं पूरी टीम की गोलकीपर हूँ और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे।